हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको अपडेट कराया था कि आज सुबह 11 बजे ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया गया था रेलवे में न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर, लेकिन जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही थी, सभी लगभग बड़े बड़े चैनल्स ने अपने स्टूडेंट को अपडेट दिया था इसके बारे में। मैंने भी आपको दो तीन वीडियो में बोला था, लेकिन उस हिसाब से जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट का देखने को नहीं मिला है और ट्विटर कैंपेन का कोई खास असर यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। लास्ट में बात करूं, जब मैंने देखा था नंबर 5 पे ट्रेंडिंग में चल रहा था, 2,77,000 ट्वीट हुए थे। हो सकता है कि अभी तक ये 3 लाख के करीब पहुंच गए हों, या हो सकता है कि ये 5 लाख तक भी चले जाएं रात तक। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और सिर्फ 5 लाख 6 लाख ट्वीट हुए हैं। इससे पहले भी कई बार ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसमें देखा गया है 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी ट्वीट्स हुए हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा एक चीज़ तो पता लगती है कि स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट की उम्मीद हर कोई करता है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता है। स्टूडेंट ने कोई ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखाया है। और अगर बात करें कि ट्विटर कैंपेन का क्या असर हो सकता है, तो इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में ट्वीट्स नहीं हुए हैं। हालांकि बड़े टीचर साथ में थे, सभी ने वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन सारी जो ताकत होती है वो स्टूडेंट के हाथ में होती है। और स्टूडेंट ही अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव वे में चली जाती हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे ट्विटर कैंपेन की। अब बात कर लेते हैं नई वैकेंसी की। तो नई वैकेंसी जल्द आने वाली है 53,000 पदों पर, लेकिन ये रेलवे की नहीं है। तो कौन से डिपार्टमेंट की है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, 20 जून 2023 मंगलवार का न्यूज़पेपर है। 53,000 सिपाहियों की होगी सीधी भर्ती, यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती है। तो जैसा कि आपको पता है लोकसभा के चुनाव है, तो उससे पहले तो इतिहास रचा जाना है हर चीज़ों में, चाहे वैकेंसी है चाहे कुछ भी है। तो यहाँ पे यूपी पुलिस में भी एक बड़ी भर्ती सामने आने वाली है। और क्योंकि एक बड़ा नंबर है, तो बड़े जो स्टूडेंट हैं, मतलब कि काफ़ी मात्रा में जो स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। प्रदेश पुलिस के इतिहास में यह सबसे बड़ी भर्ती होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, देखो यहाँ पे जो मतलब कि हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक, लिखित परीक्षा और भर्ती से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की निविदा 15 जुलाई तक प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी कि 15 जुलाई जो है वहाँ तक आपकी यहाँ पे कंपनी वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह लेगी वो सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। संस्था का चयन होने के बाद इस वर्ष के अंत तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इस वर्ष यानी कि 2023 के लास्ट में ही परीक्षा कराने की बात कही जा रही है। पहले 35,757 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन कार्यदायी संस्था का चयन न होने की वजह से पिछले 10 महीने से इस संबंध में कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी। 2 कंपनियों के भर्ती परीक्षा कराने में रुचि दिखाने के बाद अब 52,699 सिपाहियों की सीधी भर्ती के संबंध में कार्यवाही आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर है कि 53,000 कांस्टेबल की भर्ती यहाँ पे आने वाली है। आगे यहाँ पर देखो, 8,540 पदों पर सिपाही होंगे पीएससी, 1,007 फायरमैन हैं, 1,341 सिपाही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के हैं। कुल मिला के 53,000 के करीब यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेंगे। 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखो, यूपी पुलिस में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं सीधी भर्ती के लिए, करीब 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। इससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षाओं में भी 23 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। इस बार अधिक पदों की वजह से ज़्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे इन्होंने ये भी बताया है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही हिस्सा लिया है, इस वजह से निविदा निरस्त करनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो एग्जाम जो भी कराएगा वो एक बाद की बात है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि 53,000 सिपाहियों की भर्ती उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। और रेलवे वाले अभ्यर्थी निराश ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरफ इंडिकेट करती हैं जैसे बाकी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है। यूपी पुलिस में बहुत समय से पोस्ट नहीं आ रही थी, लेकिन अभी वैकेंसी आने का मतलब है कि रेलवे में भी बहुत जल्द वैकेंसी आएगी। हालांकि आज का ट्विटर कैंपेन इतना मुझे सक्सेसफुल नहीं लगा, लेकिन चलिए जैसा भी है, यहाँ पे रेलवे की तरफ से गुड न्यूज़ तो जरूर आएगी, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, एक प्लस पॉइंट है। और बहुत जल्द आपको रेलवे का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।